हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो फायर से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, फायर्स ऑटोमेशन ट्रेडिंग का जो लाइव डेमो दिखाया था मैंने, तो मैंने उसके अंदर बोला था कि हमारा बॉट 50% बना हुआ है, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, कैंसिल पोजिशन, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उस दिन नहीं लग रही थी। बट अब क्या है कि अब ये सारी चीज़ें वर्क कर रही है एंड 95% बॉट बन गया है। 5% रह रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो 5% रह रहा है वो बहुत रेयर लोग होते हैं, बहुत रेयर लोग होंगे जो इन चीज़ों को यूज़ करते होंगे, इसलिए अभी हमने ऐड नहीं करा। बट इन फ्यूचर वो 5% भी हम कंप्लीट कर देंगे एंड जो भी प्रॉब्लम होगी उन्हें भी फिक्स कर देंगे। तो मैं आपको आज लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ एंड जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप 500 रुपये में बोट ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एपीआई वगैरह कैसे एक्टिवेट करनी है और क्या क्या आप कर सकते हो। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा फायर्स का अकाउंट है और टोटल ऑर्डर 79 डाल चुका हूँ मैं मॉर्निंग से। पेंडिंग ऑर्डर में और पोजीशन और ऑर्डर में अभी 0-0 ऑर्डर है, सब काट दिया मैंने। ये टेस्टिंग कर रहा था सुबह से मैं। एंड आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, जो बॉट है वो हमने अपडेट कर दिया सभी यूज़र के पास जिन्होंने भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है। वो अगर फायर्स पे क्लिक करेंगे तो उनको अभी कोडिंग दिख रही होगी जिसके अंदर कवर ऑर्डर की भी कोडिंग आ गई है। अगर आपका अपडेट नहीं तो अपडेट कर लीजिए गूगल क्रोम पे जाके, गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे जाके। एंड ब्रैकेट ऑर्डर की भी कोडिंग दिख रही होगी, ये आपको दिखा देता हूँ ब्रैकेट ऑर्डर। तो अब मैं जो 5% कह रहा था वो पता है क्या रह गया, वो यही रह गया कि ब्रैकेट ऑर्डर में जो एसएल ऑर्डर होता है और एसएलएम ऑर्डर होता है वो अभी हमने कोड नहीं बनाया। एंड इधर फायर्स के अंदर ये फीचर भी है कि यहाँ कवर ऑर्डर में भी ब्रैकेट एंड सॉरी एसएल और एसएलएम ऑर्डर होता है जो कि जीरोधा एंड अपस्टॉक में नहीं है, तो वो अभी मैंने सेंटेक्स नहीं बनाया। बट अभी आप कवर ऑर्डर पर लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर से काम कर सकते हैं। एंड कैंसिल पोजीशन भी दिखा देता हूँ आपको, कैंसिल पोजीशन और एग्जिट पोजीशन का भी कोड बना दिया। अब लाइव डेमो दिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम हमने रेगुलर ऑर्डर से स्टार्ट करा था, लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर लगा के मैंने आपको उस दिन दिखाए थे। आज हम कवर ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए कवर ऑर्डर का जो पेज है वो ये रहा और यहाँ पर मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, जो कवर ऑर्डर या कोई भी ऑर्डर है मोस्टली हमने दो तरह के ऑर्डर बनाए, एक परसेंटेज के साथ है, एक विदाउट परसेंटेज के साथ है। जो परसेंटेज के साथ है आप ये देख सकते हो, फर्स्ट वाला परसेंटेज के साथ है। एंड जैसे आपको पता है कवर ऑर्डर के अंदर एसएल डालना बहुत जरूरी होता है, कि कोई इसे एसएल कहता है, कोई इसे टिगर प्राइस कहता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने परसेंटेज डाला इसमें 2% का एसएल लिया है। एंड सबके अंदर जो हमने जो स्टॉक ले रखा है बाय डिफॉल्ट वो एनटीपीसी ले रखा है, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। जैसे टीएस का मतलब होता है ट्रेडिंग सिंबल, तो टीएस इक्वल यस बैंक कर सकते हो, आईसीआई बैंक, जो भी आप स्टॉक पे काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। क्यू इक्वल क्वांटिटी होता है तो हमने बाय डिफॉल्ट 1 रखी है, आप इसे भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कमांड कैसे वर्क करती है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से टीम व्यूवर और नेक्स्ट एनी डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड मैं आपको लेके टीम व्यूवर एनी डेस्क पे सारी चीजें बता दूंगा। तो अभी के लिए हम ये कवर ऑर्डर उठा रहे हैं मार्केट टाइप में, मतलब मार्केट ऑर्डर है। एंड आपको फिर से दिखा दूं, यहां कुछ भी नहीं है। एंड हम चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं, चार्ट पर भी मैंने निफ्टी 50 खोल रखा है क्योंकि जो एनटीपीसी स्टॉक है वहां मूवमेंट कम हो रही है तो मैं टिगर नहीं करा पाऊंगा। एंड मैं जैसे आपको पता है कि अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से टिगर कराऊंगा, आप चाहो तो कोई भी इंडिकेटर लगा के उसका उससे ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हो। काफी लोग मुझे फोन करके बोलते हैं सर इंडिकेटर से कैसे करेंगे, मतलब आपने कोई इंडिकेटर लगा दिया, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मैंने आपने सुपर ट्रेंड लगा दिया, जब बाय आएगा तो ऑटोमेटिक आपका बाय हो जाएगा, सेल आएगा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अच्छा, काफी लोग मुझे बोलते हैं सर स्पार्क के अंदर स्पार्क पता नहीं क्या नाम है, मतलब ऑटोमेशन ट्रेडिंग के कई सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर क्या होता है नोटिफिकेशन आती है, देन आपको ओके का क्लिक बटन करना पड़ता है जब आपका ऑर्डर लगता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपने बॉट ऑन कर दिया, कमांड ऑन कर दी तो ऑटोमेटिक ऑर्डर लगते जाएंगे, आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि आप इसे करना चाहते हो नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ ऑर्डर डाला एंड क्रिएट करा तो हमारा जो अलर्ट है वो यहाँ बन जाएगा। आप देखो यहाँ नो अलर्ट सब एक ग्रीन कलर में बन गया, इस मीन ये हमारी कमांड एक्टिवेट होगी, ग्रीन कलर इस मीन कमांड एक्टिवेट है और कोड दलावा तो इसमें टोटली एक्टिवेट है। अब बस हमें टिगर कराना है इसे और जैसे ही कैंडल इस पर टच होगी तो ऑटोमेटिक ऑर्डर लग जाएगा, तो हमें इसके लिए इतना वेट करना पड़ेगा तो वो तो हम कर नहीं सकते। और इंडिकेटर लगाएंगे तो उसमें सिग्नल आने का वेट करना पड़ेगा, जैसे कोई मैंने इंडिकेटर लगा दिया जब बाय का सिग्नल आएगा जब जाके ऑर्डर लगेगा। तो इसलिए मैं एज एग्जाम्पल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ जिससे मैं फटाफट आपको दिखा सकूँ। तो अब मैं चलता हूँ फायर्स पे, आप देखिए पोजिशन 0 है, ऑर्डर 0 है एंड हम इधर गए।
अच्छा मैंने चार्ट अभी देखो कोई और खोल रखा है, निफ्टी 50 का खोल रखा है और ले जा रहा हूं मैं एनटीपीसी। तो आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो, बट जब आप इंडिकेटर लगाते हो तो आपको सेम चार्ट पे ही लगाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके सही जो टेक्निकल है वो सही से काम करेगा। मैं तो एज अ एग्जाम्पल के लिए इसको इससे टिगर करा रहा हूँ क्योंकि वहां मूवमेंट नहीं हो रही और फिर मेरे को दिक्कत होगी। तो मैं चलता हूँ एक बार इस पे। अब मैं इसे टिगर कराने जा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर टिगर कराया। जैसे मैं टिगर कराऊंगा यहाँ पर एक अलर्ट आएगा, जैसे ये अलर्ट आया आपके सामने आप यहाँ देख सकते हो। एंड उसके बाद हम चलते हैं अपने फायर्स अकाउंट पे, तो यहाँ पर ऑर्डर आएगा। ये देखिए ऑर्डर, ये मार्केट ऑर्डर था, तो इसने क्या करा डायरेक्ट बाय कर लिया। आपको पता होगा कवर ऑर्डर में मार्केट ऑर्डर डायरेक्ट बाय कर लेता है। तो यहाँ देखिए सीओ लिखा है, तो इनने एक क्वांटिटी ली है एंड एवरेज प्राइस ये मतलब करंट मार्केट पे बाय कर लिया। एंड इसमें एक ऑर्डर पेंडिंग है, आपको पता है जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था 2% का लगाया था। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अभी ये चल रहा है 114 रुपये समथिंग चल रहा है इसका करंट प्राइस, 114 रुपये 65 पैसे। एंड इन्हें 2% नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लिया जो हमने परसेंटेज में ऑर्डर लगाया था। तो ये देखा आपने कि हमारा कवर ऑर्डर वर्क कर रहा है। अब इसे मैं कैंसिल भी करके दिखाता हूँ आपको। आपने सपोज मानो सुपर ट्रेंड में एक कमांड लगा रखे जिससे आपका ऑर्डर कैंसिल हो, या किसी भी स्ट्रैटेजी पे आप कर रहे हो, तो कैसे करोगे? तो मैं यहाँ गया फिर से कोड में एंड कैंसिल ऑर्डर का कोड लेके आता हूँ। तो ये कैंसिल ऑर्डर का कोड ये रहा, तो कैंसल ऑर्डर नहीं सॉरी एग्जिट पोजीशन। तो मैं आपको बता दूं एग्जिट पोजीशन खोल ओनली फॉर कवर ऑर्डर में होती है और ब्रैकेट ऑर्डर में होती है। अगर आपका नॉर्मल ऑर्डर होता तो आप एग्जिट नहीं कर पाते, आपको अपोजिट करना पड़ता एग्जिट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपने 100 बाय करें तो 100 सेल करने पड़ेंगे जब आपकी स्क्वायर ऑफ होगी, पर ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर में आपको एग्जिट पोजीशन मिल जाती है। मैंने ये कोड उठा लिया एंड इसमें मैंने टाइप बाय डिफॉल्ट पहले एनटीपीसी टाइप कर रखा है, मतलब सिंबल नेम जो स्टॉक नेम है, तो इसकी पोजिशन को क्लोज कर देगा। कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। इधर गया मैं, इस पर क्लिक करा एंड मैंने ये कोड डाला एंड क्रिएट कर दिया। अभी हमारा दूसरा भी अलर्ट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ क्रिएट हो गया दूसरा अलर्ट। एंड अब मैं इसको ट्रिगर कराने जा रहा हूँ। अब टिगर कराऊंगा तो यहाँ पर अलर्ट्स आएगा, जैसे आपको पता है ये एक अलर्ट्स आया एंड अलर्ट्स आया तो अब ऑर्डर भी वो होगा। तो हम वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में ये होता है। तो ये देखिए ये हो गया, आपके सामने हो गया। थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम कम है एपीआई का एंड मैंने इनके फायर्स वालों से बात करी एंड इन फ्यूचर इस चीज़ को ये फिक्स कर देंगे। अभी तो ये एक तरीके से लगा लो बीटा वर्जन टाइप है कि आप चीज़ों को समझ रहे हो, देन आप कंप्लेंट करोगे, आप बोलोगे तो इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू जरोधा एंड अप स्टॉक के मुकाबले कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा सर्वर टाइम डिले है, मतलब वहाँ क्या होता है विथ इन 1 एंड 2 सेकेंड के अंदर ऑर्डर लग जाता है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। आई थिंक 3 सेकेंड 4 सेकेंड समथिंग लग जा रहे हैं। आप खुद वीडियो को पॉज करके देख लेना कि हाँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो देखिए ऑर्डर एग्जिट हो गया है। तो ये कैंसिल मैंने बताया ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर में एग्जिट पोजीशन हो जाती है। अब हम मैं आपके सामने ब्रैकेट ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे ऊपर जाते हैं। तो ब्रैकेट ऑर्डर में यहाँ पर मैंने दो टाइप के ऑर्डर ऐड कर रखे, कमांड ऐड कर रखी है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा दूँ, एक है ब्रैकेट ऑर्डर मार्केट जो कि अप स्टॉक एंड जरोधा में मिलता ही नहीं, वो यहाँ पर मिल रहा है मार्केट ऑर्डर, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। एंड दूसरा है लिमिट ऑर्डर, तो दोनों ऐड कर दिए। तो मैं आपको एक लिमिट ऑर्डर लगा के दिखा देता हूँ। चलो मैं आपको मार्केट ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ पहले, जिससे आपको पता चले मार्केट ऑर्डर चलता कैसे। मैंने कॉपी करा, अब इसके अंदर मैं आपको बता दूँ वही एनटीपीसी स्टॉक का नाम दे रखा है आपको चेंज करना पड़ेगा, क्वांटिटी 1 दे रखी है आपको चेंज करनी पड़ेगी। एंड ओटी का मतलब मैं आपको बता दूँ, ओटी का मतलब होता है मार्केट ऑर्डर टाइप। तो यहाँ इधर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, और एक्सचेंज के अंदर जो सिंबल दे रखे हैं ना वो नंबर में नहीं दे रखे। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाऊं, टीटी का मतलब है ट्रांजेक्शन टाइप। आप बाय करना चाहते हो सेल, तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो यहां पर 1 लिखना पड़ता है। 1 का मतलब बाय है इनके अकॉर्डिंग, फायर्स के अकॉर्डिंग जो इन्होंने एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है। एंड -1 लिखते हो तो इट्स मीन सेल है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगा मेरे को, बट मैं आपको जब भी बता रहा हूँ, ऐसे ओटी का मतलब है ऑर्डर टाइप। तो वैसे तो और जगह हमें लिखना पड़ता है लिमिट मार्केट SL SLM, पर यहाँ अलग ही हिसाब है। OT1 का मतलब है लिमिट, OT2 का मतलब है मार्केट, OT3 का मतलब है SLM ऑर्डर, OT4 का मतलब है लिमिट ऑर्डर। इस तरीके से इन्होंने दे रखा है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। SL का जानते होगे स्टॉप लॉस, ब्रैकेट ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस डालना पड़ता है। तो हमने 1 रुपये का स्टॉप लॉस बाय डिफॉल्ट डाल रखा, आप इसे चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टॉक। एंड SO का मतलब है स्क्वायर ऑफ, जो टारगेट प्रॉफिट टारगेट प्राइस होता है, तो हमने उसको नाम दे रखा है SO। एंड उसके बाद कुछ भी नहीं, आपको एक कोड कॉपी करना है एंड मार्केट ऑर्डर में लगा के दिखाने की बात करी है। तो मैं इधर चलता हूँ एंड मैं इस कोड को
इसके अंदर पेस्ट करता हूँ आपके सामने, पुराने कोड को निकाल देता हूँ एंड नया कोड डाला। एंड मैं अब इसके अंदर क्या करता हूँ, 2 रुपए का स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, सॉरी 1 रुपए का स्टॉप लॉस और 2 रुपए का टेक प्रॉफिट, एसओ मतलब टेक प्रॉफिट। एंड मैं यहां से इसे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ कुछ भी अलर्ट नहीं है। अब देखिए आपके सामने अलर्ट्स आएगा एंड टाइम भी देखना, रिस्पॉन्स टाइम क्या है मैं आपके सामने दिखा दूंगा। तो ये अलर्ट्स आया, हम फटाफट साइट पे गए, देखते कितनी देर में ऑर्डर आता है। तो आई थिंक 3 सेकंड हो गए, अब ऑर्डर आया, 3 से 4 सेकंड में ऑर्डर आया है। तो ये स्पीड है अभी जो मैंने देखा। तो आप देखोगे कि ऑर्डर तो पोजीशन में आ गया क्योंकि मार्केट ऑर्डर था एंड 2 ऑर्डर लगे हुए हैं। आप देखोगे जो इसका प्राइस है वो 114 रुपये चल रहा है, 114 रुपये 65 पैसे। तो 2 रुपये का हमारा स्टॉप स्क्वायर ऑफ था टारगेट प्राइस, तो इनने क्या लगा रखा है, 116 रुपये लगा दिया। एंड 1 रुपये का हमारा वो था, क्या था, स्टॉप लॉस, तो 1 रुपये नीचे ही लगा दिया। इट्स वर्किंग, मतलब ये वर्क कर रहा है। तो अब हम इसे एग्जिट करते हैं, आपके सामने एग्जिट करके दिखाऊंगा। तो हमने पोजीशन तो ले ली एंड हम एग्जिट पोजीशन पे जाते हैं। तो हमने इसे ट्रिगर कराया, अलर्ट आने का इंतजार करेंगे, देन साइट पे फटाफट जाके देखेंगे कि ऑर्डर कितनी देर में लग रहा है। तो अभी तक अलर्ट्स नहीं आया, क्यों नहीं आया कि ऊपर कैंडल ओपन हो गई, तो फिर से मेरे को ऊपर वाली कैंडल को ट्रिगर कराना पड़ेगा, 2 मिनट वेट। एंड मैं ऊपर ले गया इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, एंड अब वेट करते, अलर्ट्स आया फटाफट साइट पे गए, वेट करेंगे कितनी देर में एग्जिट हो रहा है। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर एग्जिट हुआ, समथिंग 4 to 5 सेकंड में एग्जिट हुआ। बाकी मैं अपना होनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, बाकी आप देख लेना कि ये कैसे वर्क कर रहा है कैसे वर्क नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब आपको मैंने ब्रैकेट ऑर्डर पे दिखा दिया है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ब्रैकेट ऑर्डर नहीं दिखाया था, कवर ऑर्डर नहीं दिखाया था, कैंसिल पोजिशन नहीं दिखाया था, और मैंने ये बात भी बोली थी कि ये तीनों अभी वर्क नहीं कर रहे, जैसे वर्क करेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर दिखाने की आई थिंक मेरे को लगता नहीं कि जरूरत है, जब भी मैं आपको एक लिमिट ऑर्डर दिखा देता हूं रेगुलर में। हम गए यहां पर, अच्छा इसमें एग्जिट करने का मैंने बताया कि कमांड नहीं है रेगुलर में, वो सभी एक्सचेंज में ये सेम थिंग दे रखी। आगे चल के मैं इसके लिए एक फंक्शन बनाऊंगा जिससे आप रेगुलर ऑर्डर को भी एग्जिट कर पाओ। अभी के लिए तो आप 100 बाय करोगे 100 सेल करोगे देन स्क्वायर ऑफ होता है। तो हमने एक क्वांटिटी का ऑर्डर उठा लिया, यहां से एक मार्केट ऑर्डर उठा लिया बाय साइड का, इधर गए एंड इसके अंदर हम कोड को ऊपर ले जाते हैं, इसके अंदर पहले कोड डालते हैं फिर ट्रिगर कराएंगे। तो मैंने ये कोड डाल दिया एंड इस बार हम क्या करते हैं, बार बार हम एनएसटीपी पे लगा रहे हैं, अब यस बैंक टाइप कर देते हैं, यस बैंक पे लगा के देखते हैं। तो हम गए यस बैंक टाइप करा, कैपिटल में टाइप करना है यस बैंक, आई थिंक लग जाएगा ऑर्डर यस बैंक पे। हाँ यस बैंक मैंने टाइप कर दिया, क्वांटिटी एक ही रखी है। अब मैं आपके सामने टिगर कराने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ टिगर कराया, जैसे अलर्ट आएगा वैसे हम साइट पे जाएंगे और देखेंगे। अलर्ट आ गया, साइट पे गए एंड वेट करते हैं ऑर्डर कितनी देर में आता है। तो ये देखिए ऑर्डर आ गया पोजिशन के अंदर, मार्केट ऑर्डर आप देख सकते हो, इन्हें फटाफट बाय भी कर लिया। तो मैंने ये मार्केट ऑर्डर भी आपको दिखा दिया एंड अगर आप एक चीज और दिखा दूं, ये तो ऑर्डर लगाए, अगर इसके अंदर मैं सपोज मानो एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, मल्टी ऑर्डर, सपोज मानो मैंने 3 ऑर्डर बिड लगा रखी होती एंड मैं चाहता हूँ वो कैंसिल हो जाए, तो वो भी कैंसिल भी हो जाएगी। मतलब क्या दिखाना, ये चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखा रखी है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड फायर्स पे टोटली प्रॉपर वर्क कर रहा है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, अभी इंडिया के अंदर फायर्स पे किसी ने भी बोट नहीं बनाया। एंड दूसरी बात, फायर्स बहुत अच्छा एक्सचेंज है, फ्री API प्रोवाइड कर रहा है, तो 500 रुपये के अंदर बोट ट्रेडिंग करना बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड मतलब इजली बंदा 500 रुपये तो अरेंज कर लेगा। एंड बोट ट्रेडिंग, एडवांस बोट ट्रेडिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, एडवांस लेवल की ट्रेडिंग होती है। अगर आप बिगनर हो, आप मार्केट के अंदर न्यू आए हो, तो आपको बोट ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं, पहले आप मैनुअल ट्रेडिंग करना सीखिए। हाँ अगर आप ट्रेडिंग करते आ रहे हो एंड आपको पता है कि हाँ ट्रेडिंग कैसे होती है, देन आप एडवांस में जाना चाहते हो, तो वहाँ एडवांस लेवल में ऑटोमेशन ट्रेडिंग आती है। एंड इंडिया के अंदर तो ऑटोमेशन ट्रेडिंग पे आपको API का चार्ज भी पे करना पड़ता है। मैं इंटरनेशनल मार्केट में काम करता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में आपको API का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता, जैसे कि फायर्स नहीं ले रहा, एलेक्स ब्लू नहीं ले रहा, ऐसे वहां कोई भी नहीं लेता, क्योंकि API से और ज्यादा ट्रेडिंग, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे 95% ऑटोमेशन ट्रेडिंग होती है, 5% होते हैं जो लोग मैनुअल ट्रेड करते हैं, पर इंडिया का अपोजिट ही है, यहां पर 95% मैनुअल ट्रेड करते हैं, 5% ही ऑटोमेशन से करते हैं। तो मैंने सारी चीजें दिखा दी हैं, आई थिंक आपको पता चल गया होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगली वीडियो में मैं बता दूंगा आपको API वगैरह कैसे एक्टिवेट करानी है और किस तरीके से रिक्वेस्ट करनी है, थोड़ा सा वो अलग कॉन्सेप्ट है।
एंड काफी लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर आप हमारा बॉट एक्टिवेट कर दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देते हैं। तो मैं आपको सर एक बार फिर इस वीडियो में बता देता हूँ, मैं पेमेंट नहीं लेता, हमने सब कुछ ऑटोमेशन में बना रखा है। हमारी वेबसाइट है nextlevel.com, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, देन आप इसको रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होती है, देन आपका यहाँ रेफरल डैशबोर्ड भी होता है। मैं अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ आपको, मैंने लॉगिन हूँ तो इसलिए आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, आपको रजिस्टर करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी मैंने पेमेंट कर रखी है तो मेरे को शो नहीं हो रहा, नहीं तो यहाँ ऑप्शन शो होता है गेट सब्सक्रिप्शन, उस पर क्लिक करके आपको ₹514 पे करने होते हैं। वैसे हमारा बॉट है 499 का है, जो जीएसटी वीएसटी लगती थी है वो 512 से ₹514 का पहुंच जाता है। आपको ₹514 पे करने होते हैं, आपका बॉट हो जाता है एक्टिवेट, और एक्टिवेट होने के बाद आप किसी पे भी ट्रेड कर सकते हो। ₹500 में आप जरोधा पे भी, आप स्टॉक पे भी, कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। पर फिर मैं भी रिपीट कर रहा हूं बात, जरोधा अपनी एपीआई के ₹2000 लेता है, आप स्टॉक ₹850 लेता है, फायर से जो फ्री लेता है। एंड एलेक्स ब्लू भी हम ऐड करने वाले हैं नेक्स्ट वीक तक, आई थिंक एलेक्स ब्लू ऐड हो जाएगा। एंड ये इसके आई थिंक मैंने आपको जो भी बेसिक होते हैं वो बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो को आपने बहुत लोगों को शेयर करा, इस वीडियो को भी इसी तरीके से शेयर करें जिससे मेरे को नए यूजर मिले एंड मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि हाँ मुझे इस मार्केट में लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ऑटोमेशन ट्रेडिंग है क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।